अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार जीएसटी घटाने पर विचार कर रही है। ऑटोमोबाइल, बिस्किट और दूसरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के दाम घट सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल व्हीकल, बिस्किट और एफएमसीजी पर जीएसटी घटा सकती है। 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल लोएस्ट स्लैब को 5% से घटाकर 8% कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई चीजों पर जीएसटी में कमी करना चाहती है। पिछले हफ्ते राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों वाली फिटमेंट कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें गाड़ियों पर जीएसटी घटाने से सरकार की आमदनी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई थी। इस महीने की 20 तारीख को गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। अभी वाहनों पर जीएसटी की दर 28% है। ऑटो कंपनियों ने इसे घटाकर 18% करने की मांग की है। जीएसटी घटाने से गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटो सेक्टर में चमक लौटेगी। अभी ऑटो कंपनियों को जीएसटी के अलावा 1-22% का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर जीएसटी घटाने की अपील की है। दरअसल मांग में आई गिरावट की वजह से देश के वाहन उद्योग को पिछले 21 सालों में सबसे कम बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त में 1995 से 98 के बाद सबसे कम बिक्री दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में अगस्त में वाहनों की बिक्री में 23.55% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी गिरावट इससे पहले साल 2000 में दिसंबर में देखने को मिली थी, जब बिक्री में 21.81% की गिरावट आई थी। वहीं बिस्किट कंपनी ने भी जीएसटी घटाने की मांग की है। अभी बिस्किट पर 18% जीएसटी लगता है। आपको बता दें कि आर्थिक सुस्ती ने ऑटो सेक्टर के बाद बिस्किट कंपनियों की हालत खस्ता कर दी है। बिस्किट कंपनी पार्ले अपने 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। पार्ले अपने खर्चों में कटौती के नाम पर लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। देश की मशहूर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया अपने बिस्किट के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती का ऐलान भी किया है। जीएसटी में कमी करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जीएसटी में कमी का सीधा असर सरकार की कमाई पर पड़ेगा। वैसे भी अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से नीचे रहा। अगस्त में 98,202 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि जुलाई में 1,02,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। आर्थिक जानकार भी मानते हैं कि फिलहाल इकोनॉमी से मंदी को दूर करने के लिए सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, ताकि मांग बढ़े और कंपनियों को राहत मिले। अब 20 सितंबर को फैसला होगा भी ऑटो और एफएमसीजी गुड्स पर जीएसटी घटेगा या नहीं।